अब S13 का वैसा वाला फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, कोई ट्रिक वाला, पूरा फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा आपको, पहले बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला लगाना ही होगा, कोई वैसा ट्रिक नहीं है। S13 = S+12 मत लगाने बैठ जाना, नहीं आएगा आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बच्चे लगाने बैठते हैं ना क्योंकि शॉर्ट ट्रिक चाहिए होता है उनको, हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक ढूंढने लगते हैं। तो पहले आप ऊपर लिखोगे फॉर्मूला तो ऐसे ही पढ़ना है, न्यू NCERT खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे मत वेस्ट करो, ठीक है अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट टू, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट। जैसा कि अब एक्सरसाइज नंबर 5.3 चल रहा था, जिसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 में, और आपने देख भी लिया होगा, और जिसने नहीं देखा जाकर जल्दी कंप्लीट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और जाकर तुरंत पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। तो बाकी आप देखते हैं आपका पार्ट 3 है, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल आपको 10 पार्ट दे रखे हैं, उसके जो पहले 5 क्वेश्चन है उस वाली वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्टिंग, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 है, ठीक है, पहले क्वेश्चन से तो देखते हैं। तो जैसा कि आप देखते आ रहे हो कि ऐसे नहीं इसमें निकालना है, जैसे कि आपने 5.3 में पढ़ा था लास्ट वाली पार्ट में कि हम इसमें योग निकाल रहे हैं, योग, ठीक है, ऐसे, तो आपको मैंने ऐसे का फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो चुका होगा अब तक, तो याद हो गया ना, बताओ जल्दी से कमेंट में, हुआ नहीं हुआ, तो याद तो हो ही चुका होगा अब तक, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने उसके ऊपर, बाकी AN का फॉर्मूला तो पूरा अच्छे से डट गया होगा बिल्कुल, क्योंकि आपने इतने प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत मतलब याद हो चुका होगा अच्छे से। अब बाकी आप देखते हैं और भी इससे जो ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे ना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन में 3 में दे रखा है आपका। तो करते स्टार्ट 1st क्वेश्चन से, आपका यह है पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2, और उसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट बचे हुए 5 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, एक AP में आपको A की वैल्यू दे रखा है, D की वैल्यू दिया हुआ है और AN की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और पूछा है कि N और SN क्या होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वाले पार्ट में कराया था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था ना, तो वहाँ पर सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, वहाँ पर आपको AP बना के दिया हुआ था और आपको वहाँ से A निकालना था, D निकालना था, फिर देन आपको वहाँ से AN निकालना था, फिर देन सॉल्व करके आपको N और SN का मान ही निकालना था। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे करना है, तो आपको A दे रखा है, D दे रखा है और AN दे रखा है, आपको पहले N निकालना होगा। जब तक आप N नहीं निकालोगे तब तक आप SN नहीं निकाल पाओगे, याद रखना, ठीक है। जब तक N ही नहीं निकालोगे तब पता कैसे चलेगा कितने पदों का योग निकालना है, तो N इज मस्ट जरूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर पहले आपको N का फॉर्मूला लगाना है, N का फॉर्मूला तो याद ही होगा, A+(n-1d), ठीक है। AN दिया कितना आपको, 50 दे रखा है, 50 रख दो यहाँ पर। A कितना पद रखा है, 5 दे रखा है, 5 यहाँ रख दो, प्लस में सारी बस वैल्यू पुट कर दो N को छोड़ के। D का मान कितना आपको, 3 दे रखा है, 3 रख दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 5 प्लस का इसको उस तरह भेज दो, तो माइनस कर देगा 50 माइनस में 5, इसको तो मैं अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले N से फिर 1 से, तो 3N माइनस में 3, यहाँ तक समझ आई बात। अब आगे देखो 45 यहाँ पर हो गया आपका, 45, अब 3 माइनस का उसको उस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3 इधर आ गया, बराबर में 3N, ओके, 45 प्लस 3 48 बराबर में 3N हो गया, ठीक है। अब 3N सीधा कर दो उसको, ठीक है, 3N इसको तो में 48। अब देखो 3 से N मल्टीप्लाई में है, तो 3 को बटे भेज दो और N को एज इट इज यहाँ पर ऐसे रख दो, क्योंकि N की वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको उस तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है, याद रखना। अब 16 तक कितना होता है, 48 होता है, तो 16 से कट गया, 3 कम 3, 3 से घटा रहा, तो 16 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, N का मान 16 आ चुका है, ठीक है, N का मान आपका आ चुका है 16। अब आपको निकालना है SN, अब आपका N निकल चुका है, अब आप SN निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, AND का यूज़ करके और एक जिसमें D का यूज़ नहीं होता वाला फॉर्म बताया था आपको मैंने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो सबसे ईजी आपको बिना D के रहेगा, ठीक है, जिसमें D का फॉर्मूला नहीं आता, जिसमें D का यूज नहीं आता, तो आपको याद देखो कोई सा भी यूज कर लो आंसर सेम ही आना है, वैसे भी पहली बात तो यही है। बाकी यहाँ पर देखो N/2 A+(AN) ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, सबसे सिंपल है, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, ज़्यादा SN N की जगह क्या रखना है, मैं 16 रखना है, 16 पदों का योग आपको निकालना है, ठीक है, और N की जगह 16 पुट कर दो बटे में 2, सेम ऐसे ही करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे, याद रहे, ठीक है। A का मान कितना आपको, 5 देगा, 5 यहाँ रख दो, सिंपल है, प्लस में AN का मान कितना दिया आपको, 50 देगा, 50 यहाँ पर आप रख दो, इस तरीके से समझ आई बात। अब देखो 2 8 16, तो 2 से 16 कट गया, कितनी बार में, 8 बार में, तो S16 = 8, ब्रैकेट बंद, 5 और 50 55, तो 55 यहाँ पर लिख दो, अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही ना, मल्टीप्लाई करो उसको जल्दी से फटाफट साथ में ही, तो 8 5 40 8 5 40 44 हो गया, ठीक है, 440 आपका आंसर आ चुका है, S16 कितना आ गया, 440, और यही आपका आंसर है फाइनल, समझ आई बात। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, और इसी के साथ आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, आप मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है, इसके समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो दोबारा से इसको पॉज करके दोबारा से एक बार ट्राई करिए खुद से,
नहीं आए तो दोबारा से रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो बाकी यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपको देखना सबसे ईजी तरीका है, लास्ट वाले पार्ट में ही कर रखा है अलग क्वेश्चन हमने, आना चाहिए। देखो यहाँ पर जल्दी से, और आपको मैंने करवा दिया है, अब तो आपको 100% आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और आपके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, बाकी आपको अपनी एनसीईआरटी भी साथ में रखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको देखना भी है। तो बाकी देखो यहाँ पर, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल ऐसे। अगर आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया ना, तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ नंबर्स चेंज करेंगे और बाकी सेम तरीका पूरा फॉर्मेट ऐसे रहेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन, और 10 तरीके की फॉर्मेट अगर आपने सीख लिया तो फिर क्वेश्चन करना ईजी होता है फिर आपके लिए। तो देखो यहाँ पर ए का मान आपको देखा और A13 दे रखा है, आपको निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना और S13 फाइंड करना है, ठीक है। और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि न्यू एनसीईआरटी खरीदे नहीं खरीदे, न्यू एनसीईआरटी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो भी सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, सिलेबस आपको जुड़ा नहीं है, ठीक है, सिलेबस हटाया गया है, तो जो पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो जो चैप्टर नहीं आने वाले, जो क्वेश्चन नहीं आने वाले, उसको काट दो, ठीक है, सिंपल सा, वो मत पढ़ना। आपको मैंने बताई दिया एक वीडियो में, आपको पता ही है, ठीक है, जो मैं आपके लिए वीडियो में आया था कितने सिलेबस मैथ का आने वाला है इस बार, CBSE 2025 में, ठीक है। बाकी यूपी बोर्ड के लिए सबके लिए बना रखा है मैंने ऑलरेडी, तो बाकी आप उसी को फॉलो कर लो, और जो भी आने वाले चैप्टर, जो भी एक्सरसाइज आने वाली, इसको टिक कर लो, ठीक है, बस उतना ही पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मत वेस्ट करो, ठीक है अपना। देखो यहाँ पर जो बुक से काम चला लो, तो A=7 और A13=35, अगर कुछ चेंज हुआ होता ना तो फिर मैं बोलता कि खरीद लो, ना कुछ जुड़ा है ना कुछ, अगर रिड्यूस हुआ ना, कम हुआ, उल्टा चैप्टर हटे हैं आपके। तो A13 क्या है आपका, देखो यहाँ पर A+ में 12D, ठीक है। देखो यहाँ पर A13 आपको दिया हुआ कितना, 35 देखा, 35 यहाँ लिख दो सिंपल सा, और A की वैल्यू आपको देखा 7, यहाँ से D निकल जाएगा आपका। ये आपने 5.1 में कर रखा है, याद है आपको, 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन याद करो, वहाँ पर करा है आपने, सेम देखो वैसे ही है सब, जो आपने 5.1 में करा, जो 5.2 में करा, सबका यूज यहाँ पर होने वाला है, सबका यूज। 7 या प्लस का उसको तो उस तरह भेज दो, और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो 35 - 7 कितना हो जाएगा आपको, 12D = 15 - 28 बच गया यहाँ पर, ठीक है। D = 28/12 हो गया, यहाँ तो समझ में आई बात, अब देखो काट दो उसको, कितना आ रहा है, 14 हो गया यहाँ पर, नीचे 6 हो गया, समझ में आ रहा है, 2 × 7 = 14, और यहाँ पे 2 × 3 = 6, तो D का मान आपका आ चुका है 7/3, कितना, 7/3, चाहो तो पॉइंट में लिख लो, चाहो तो एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं SN, हमें निकालना है S13, अब S13 का ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, कोई ट्रिक वाला, पूरा फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा आपको, पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला लगाना ही होगा, कोई वैसा ट्रिक नहीं है। S13=S+12D मत लगाने बैठ जाना, नहीं आएगा आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बच्चे लगाने बैठते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक चाहिए होता है उनको, हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक ढूंढने लगते हैं। तो पहले आप ऊपर लिखोगे फॉर्मूला, तो SN=N/2 (A+AN), ये आपका फॉर्मूला, तो ये लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको A13 पता है, N का मान 13 पता है, A का मान पता है, सिंपल सा पुट कर दो, D की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं D का मान नहीं पूछता ना, तो हम सिंपल कर चुके होते अब तक, क्योंकि हमें AN भी पता है, हमें A का मान ही पता है और N भी पता है, सिंपल सा हम SN निकाल चुके होते इस वाले फॉर्मूला का यूज करके। पर हमसे D का मान भी यहाँ पर पूछा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करा इसको, पहले D का मान निकाला, अन्यथा डी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, पहले बता रहा हूँ मैं। तो ए का मान 7 है, 7 रख दिया यहाँ पर आपने, प्लस में AN कितना आपको देखा है, AN आपको देखा 35, देखो यहाँ पर 35 दिया क्वेश्चन, ध्यान से। अब S13 आपको निकालना है, 13 है यहाँ पर, 13/2 ब्रैकेट में कितना आ गया यहाँ पर, 7×5=42 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब काट दो, दो से कट रहा है ना यहाँ पर, काट दो उसको, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 2, ठीक है। कितना आ गया S13=13×21, अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। दो कितना आ रहा है, 13 × 13 = 3 हासिल, 1 × 13 = 26 और 1 = 27, तो 273 आपका आंसर आ चुका है, 273, और यही आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो आपका इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, देखते हैं थर्ड वाला इसका पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि A=37 और D=3 दे रखा है यहाँ पर, AN का मान आपको दे दिया और D का मान दे दिया, मतलब कि कहने का अर्थ है कि आपको A12 का मान दे दिया और आपको D का मान दे दिया है। आपको निकालना है क्या, फाइंड क्या करना है, प्रथम पद यानी A निकालना है आपको और S12 निकालना है यानी कि 12 पदों का योग निकालना है। बहुत ईजी, देखो कैसे करना है, सिंपल है बिल्कुल। आप इसको पहले खोल दो जो दिया हुआ है, यानी A12 कैसे लिखोगे आप, A+11D लिख दिया आपने यहाँ पर, और यहाँ पर H=37 दिया हुआ है यहाँ पर पहले से, डी का मान यहाँ पुट कर दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। A+11D का मान कितना, 3 है, 3 यहाँ रख दो,
इक्वल टू में 37 रख दो यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस में 11 तीन 33, तो 33 यहाँ पर आ गया आपका, तो 37 यहाँ पर आ गया आपका। ए बराबर में 33 प्लस का उस तरह तो माइनस कर देगा, तो 37 माइनस में 3 कितना आ गया आपका, 4 आ गया ओनली। तो ए का मान आपका आ चुका है कितना, 4, ठीक है। अब ए का मान आपको निकल चुका है, अब सिंपल सा एस 12 आप निकाल सकते हो, कैसे, एसएन का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। फॉर्मूला जरूर ऊपर लिखा करो, उससे टीचर के सामने इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो फॉर्मूला लिख दोगे और आपके लिए आसानी रहेगी, कुछ गलती नहीं करोगे ना, फिर एरर करने के चांसेस कम रहेंगे फिर आपके लिए। तो ए प्लस में ए एन, और अभी जितने बार लिखोगे उतने बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही फॉर्मूला भी आपका यूज हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा आपको पूरा अच्छे तरीके से। तो एस 12 और एन का मान कितना, 12 देगा, 12 यहाँ रख दो बटे में 2, और ए का मान हमने निकाला है कितना, 4, तो 4 यहाँ पर रख दो। ए एन का मान कितना निकाला है हमने, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 37, तो 37 यहाँ पर अपने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको 2 से काट दो, कितना आ रहा है, 6 आ गया यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई में 7 4 12 7 4 11, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर आपका, 41 आ गया, समझ आई बात, प्लस कर दिए दोनों को, 41 आपका आ चुका है, ओके। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो किसे, 41 से, कितना आ रहा है, 6 कम 6 6 तक 24, तो कितना आ गया, 246 आपका आंसर आ चुका है, कौन सा, एस 12, तो एस 12 आपका आ चुका है 246, 240 आपका आ चुका है, ठीक है। बाकी आपके इंग्लिश मीडियम की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, जो भी आपके दोस्त जाके बता सकते हैं उनको कि इंग्लिश मीडियम सीरीज ऑलरेडी चल रही है आपकी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर दिया मैंने आपके लिए, और उसके 2 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है, वो भी चल रही है आपकी सीरीज, तो जाकर फॉलो कर सकते हो उसको भी, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं उनसे बता सकते हो, मैंने डांटते ना, ठीक है। तो बाकी आपका सेकंड थर्ड कंप्लीट होता है, अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4th, और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ठीक है, इस पार्ट का क्वेश्चन का नहीं, इस पार्ट का, ओके। तो इस पार्ट में आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाने वाला था, उसका लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर आपको A3 दे रखा है, मतलब A3 दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, और आपको S10 दे रखा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखें, ठीक है। तो D का मान आपको निकालना है और आपको A10 ज्ञात करना है, तो बहुत ईजी, देखो कैसे करना है, सिंपल है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। A3 दे रखा आपको, ठीक है, A3 आपको कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 आप रख दो। अब A3 को आप खोल दो, पहले 2 क्वेश्चन बनेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, फिर दोनों को सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर आएगा। अभी हमने लास्ट का क्वेश्चन देखा ना, कितने कम लाइन में आपका सॉल्व हो गया था, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, ठीक है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आले। बाकी देखो यार, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनने वाला है, देखो कैसे, यहाँ पर आपको एसएन का भी क्वेश्चन बनेगा, एक उसका ही क्वेश्चन बनेगा, फिर दोनों को सॉल्व करो, एक किससे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि की हेल्प से, फिर वहाँ से आपका ए और डी का मान आ जाएगा, फिर ए और डी की हेल्प से आप A10 निकाल सकते हो, चाहे आप हज़ारों पद बोला हो वो भी आप निकाल सकते हो, चाहे आपको वहाँ पर कोई सा पद बोला हो निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको ए और डी का मान आपको मिल जाए तो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है, आप पहले मिसाली क्वेश्चन से पहले याद बनाते हैं, आपको A3 दिया हुआ है, तो A3 इक्वल टू में क्या होता है आपका, A+2D होता है, और दिया कितना आपको, 15 दिखा है, तो यहाँ पर रख दिया, इसको हमने बना दिया पहला इक्वेशन, कौन सा, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि S10 इक्वल टू में 2125 दिखा, ठीक है, S10 होता क्या है आपका, 10/5, पूरा फॉर्मूला रख दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि 2A, अब यहाँ पर 2A वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हमें D का मान निकालना है, प्लस में N के तरीका आपको 10 10-1, D का मान आपको निकालना है, D का मान हमें नहीं पता, बराबर में 125 यहाँ पर आपने रख दिया इस तरीके से। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज करा, ये वाला, देखो यहाँ पर SN छोटे में N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N-1D वाला, ठीक है। तो बाकी पहला इक्वेशन यहाँ से आपका बन गया, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से काटो इसको, कितना आ गया, 5 आ गया यहाँ पर, ब्रैकेट में 2A प्लस में यहाँ पर कितना आ गया आपको, 9D, यहाँ पे कितना आ गया आपको, 125 था वो, तो ठीक है, इक्वल में आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा, देन क्वेश्चन आपकी बन जाएगी, ठीक है। 5 2 10, 5 2 10 A प्लस में 9 5 45, 45 D हो गया यहाँ पर, बराबर में 125, ठीक है। अब आपका ये बन गया दूसरा इक्वेशन, कौन सा, दूसरा इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। अब दोनों को चाहो तो प्रतिस्थापन की हेल्प से, चाहो तो विलोपन विधि की हेल्प से सोल्व करके AOD का मान निकालो, जो कि आपने 5.2 में ऑलरेडी कर रखा है, याद आया, सेम वही है। तो सभी का कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से देखो आप करते हैं विलोपन विधि से, चाहो तो यहाँ पर 10 दे रखा ना, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तो इक्वल होगा, तभी तो कटेगा। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण एक को 10 से मल्टीप्लाई करने, 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको 10A और 10A बनाना है सेम, तभी तो कटेगा दोनों, कोई ना कोई एक पार्ट आपको इक्वल करना होता ताकि वो कट जाए, ताकि आपका काम आसान हो जाए और आप डी का मान निकाल सको, तो निकाल सको जो भी सेकंड तरीका है वाला। तो 10 से गुणा करने पर ठीक है, क्या आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर, तो 10 से गुणा करते हैं इसमें, ए प्लस में 2D इज़ इक्वल टू में 15, इसको गुणा करना है आपको 10 से, कर दो गुणा, 10 से गुणा कर दो इसको, सिंपल सा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 10A प्लस में 10 20D बराबर में 150, और ये आपका बन गया तीसरा इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में से आपको सेकंड माइनस करना है, तो लिखोगे यहाँ पर समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 2, ठीक है,
समीकरण दो, तो यहाँ पर टेन ए प्लस में टू डी, टेन प्लस में ट्वेंटी डी, ठीक है ट्वेंटी हो गया, बराबर में 150, ओके अपॉन में बटे में क्या होगा आपका माइनस करेंगे ना, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है ये रहा, टेन ए प्लस में 45 डी बराबर में 125, ठीक है दिखाई दे रहा है ना। अच्छा भी हम माइनस करते हैं तो साइन आपका अपोजिट हो आता है, याद रखें प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, टेन ए माइनस का यहाँ पर और टेन ए प्लस का, तो कैंसिल होके कट जाएगा और आपका आंसर जीरो आ जाएगा, इसलिए कर रहे थे ठीक है, बट टेन से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का है, तो आंसर तो माइनस में आने वाला है पहली बात तो, और 45 माइनस में 20 कितना होगा आपका 25 हो जाएगा, तो 25D कैसा माइनस का पर, क्योंकि बड़े पे क्या है आपका माइनस का निशान है, जो बड़े पे निशान होता है वही निशान आता है आपका ठीक है बराबर में। अब यहाँ पे देखो बड़ा कौन सा है, 150 है, 150 में प्लस का निशान, तो प्लस का ही आपका आंसर आने वाला है, तो 150 माइनस में 125 कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा ऑलरेडी ठीक है ओनली। अब देखो यहाँ पर 25 माइनस का है, तो माइनस का नीचे भेज दो बटे में, तो माइनस 25D इज इक्वल टू में 25D इज इक्वल टू में 25 अपॉन में माइनस का 25। अब देखो यहाँ पर 25 से कम 25 कितना आ गया आपका आंसर, माइनस का एक आ गया, माइनस ऊपर चल जाता है कैसे, नीचे और ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर से माइनस आपका रह जाएगा ठीक है उस तरीके से, तो डी का मान आपका आ चुका है कितना, माइनस का एक आ चुका है ओके। तो डी का मान आपका निकल चुका है और आपको क्या निकालना है, 8n। अब तो 8n निकालोगे ना इजी है, कर लोगे खुद से, एक क्वेश्चन दे दो आपके लिए, चलो कोई बात नहीं करवा ही देता हूँ। तो 8n आपको देखो यहाँ पर, आप चाहे तो आपको 15 पद बोले, चाहे तो 18 पद बोले, चाहे तो 20 पद बोले, चाहे तो हज़ारों पद बोले, आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको ए और डी का मान मिल चुका है। तो 18 होता है कि आपका ए प्लस में 90, और ए का मान आपको अभी नहीं मिला, ए का मान आपको निकालना होगा, पहले ए का मान तो निकाल लो। आपको डी का मान मिल चुका है, डी की वैल्यू चाहे तो समीकरण एक में और समीकरण दो में पुट करके पहले ए का मान निकाल लो, उसके बाद ही सॉल्व कर पाओगे ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे डी का मान, अभी हमारा ए का मान नहीं आया था पहली बार तो सॉल्व करने, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, उसके बाद आप चाहो तो निकाल सकते हो ठीक है, साथ में करा भी करो ठीक है, साथ में करो चाहो तो। और आपका समीकरण एक कौन सा है, ए प्लस में 2D इसको टू में 15, और आपने डी का मान कितना निकाला, माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पर कर दो, प्लस में 2 इंटू में 2 ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 1 और ये मल्टीप्लाई में इसको टू में 15, ए माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 2 2 2 दो एक हम दो ठीक है 15 यहाँ पर हो गया, ए इसको टू में माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 15 प्लस में 2 और कितना आ गया आपका आंसर 17 आ गया ठीक है। तो ए आपका आ गया 17 यानी 17 आ गया आपका। अब ए का मान मिल चुका है आपको, डी का मान मिल चुका है, अब ए और डी की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो 18, तो 18 निकालते हैं, 18 इज इक्वल टू में ए प्लस में 90। मैंने पहले बता दिया ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन था थोड़ा ईजी था ठीक है, तो इसका थोड़ा स्टेप बढ़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है, जहाँ भी इक्वेशन बनता है थोड़ा लेंदी होता ही है ठीक है, पहली बात तो यही। अब ए आपको उधर का 17 प्लस में 9 इंटू में डी का मान कितना आपको निकाला है, हमने माइनस का मान निकाला, तो माइनस का मान यहाँ रख दो इसको टू में 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 9 यहाँ पर रख दो, 17 माइनस में 9 17 माइनस 9 कितना होगा आपका 8 आ जाएगा, तो आपका 18 आ चुका है कितना 8 आ चुका है, और यही आपका आंसर है ठीक है। इतना आपको करना है, यहाँ पर लाइन लगा देते हो ठीक है, पहले आपको ये करना है, फिर देन यहाँ से ये, फिर आपको ये करना है, ये आपका स्टेप ये सेम ऐसे ही रहेगा, और आपको सेम यही वाला स्टेप आपको फॉलो करना है एग्जाम के अंदर भी ठीक है, और आपको सेम इसी तरीके से आपको नोट्स बनाते रहना है ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसका थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है यहाँ पर आपको डी का मान दिया हुआ है, आपको यहाँ पर S9 दे रखा है, S9 इज इक्वल टू में 1775 ठीक है दिया हुआ है आपको, ए और A9 आपको निकालना है, यानी आपको नवा पद ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर आपको डी दिया हुआ है और S9 दे रखा है, तो पहले S9 आपको खोल दो उसको फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पर लगाओगे आप कौन सा फॉर्मूला, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस में N-1D। यहाँ पर आपको देखो डी का मान पता है आपको, एन का मान पता है आपको, एक वैल्यू नहीं पता ए, तो आपको यहाँ से ए मिल जाएगा, और ए मिलते ही आपको एन भी मिल जाएगा, फिर A9 भी मिल जाएगा ठीक है। तो कैसे आपको यहाँ पर लिखना है 9/2 फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं ठीक है, वैल्यू 2A एज इट इज रहेगा प्लस में एन क्या होगा आपको 9-1, डी का मान कितना देगा आपको 5 देगा, 5 यहाँ रख दो ब्रैकेट में इसको 75 आपको दिया हुआ है, 75 यहाँ पर 75 यहाँ रख दो ठीक है, तो 9/2 एज इट इज रहेगा इस तरीके से 2A ब्रैकेट प्लस में 9-1 8 8×5 ठीक है ओके 75 एज इट इज रहेगा, समझ आई बात यहाँ तक। अब 9/2 को उस तरफ भेज दो, तो उस तरफ जाके उल्टा बन जाएगा, 2/9 हो जाएगा, तो 2A प्लस में 8×5 मतलब 8×5=40 ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब मिक्स हो रही है भाई, दो दो बैच चल रहे हैं इसे इसलिए ठीक है। देखो यहाँ पर 75
और यहाँ पर आपका 2/9। ओके, तो जैसे ही इक्वल के उस तरफ जाएगा तो आप पोज उठाते हैं, याद रखना ठीक है, क्यों बटे में आएगा, बटे से ऊपर भेजो तो 2/9 हो जाएगा, 9/2 का 2/9, ठीक है, अपोजिट कर देना सिंपल सा। अगर यहाँ पे 1/3 लिखा होगा तो ऊर्जा के 3/1 हो जाएगा, सिंपल सा, याद रखना अपोजिट कर देना बस उसको, हर को अंश और अंश को हर बना देना, सिंपल सा है, ठीक है। तो 2a + 40 इक्वल टू में कितना आ गया यहाँ पर आपका 75/150 बटे में 9। ओके, अब तो 40 का प्लस का है उसको उस तरफ भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू में 150 यानी 150 माइनस में 150 अपॉन में 9 माइनस में 40। ओके, अब कर दो सिंपल सा, इसके बट्टे में कुछ नो वन होगा और 9 और 1 का एलसीएम 9 ही आने वाला है, ठीक है, और आप इसको से मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 माइनस में 9 4 9 9 4 36, ठीक है, 36 यहाँ पर रख दो, 360 आपका आ चुका है, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर अब आपका यहाँ पर माइनस कर देना है, प्लस माइनस माइनस पर निशान तो माइनस ही आएगा क्योंकि बड़े पे क्या है आपका माइनस दे रखा है, तो 360 माइनस में 150 कितना आ जाएगा आपका 10 2 2 10 आ जाएगा, ठीक है, 210 माइनस करो कितना आ रहा है आपका 210 आ जाएगा, ठीक है, तो 210 आप यहाँ पर रख दो इस तरीके से, कैसा है आपका माइनस का अपॉन में 9 कर दिया हमने। आप देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड भेज दो, तो a इज इक्वल टू में पहले काट लो इसको, कट रहा है ना क्योंकि, तो जो कटता है उसको काट देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, 3 7 21 70 यहाँ पर आपका आ चुका है, और बाकी 3 3 9 यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो 70/3 आपका आ चुका है माइनस का। आप भेज दें आपको 2 को नीचे, अब जाकर 2 निपटेगा इससे, ठीक है, तो कैसे होगा 3 यहाँ पर है और 2 बट्टे में आ गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो बट्टे में आ गया 2, ठीक है, कितना आ गया आपका माइनस का 70 बट्टे में 3 2 6, तो ए आपका आ चुका है कितना माइनस का 70 बट्टे में 6, तो आपका ए निकल चुका है। अब आप निकाल सकते हो क्या एन, और ए नहीं निकालना और कुछ निकालना, डी तो पता ही आपको, ठीक है, आपको ए का मान कितना मिल गया माइनस का 70 बटे में 6। ओके, और आपको डी का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है 5, तो 5 यहाँ पर रख दोगे आप इस तरीके से। फाइंड क्या करना है आपको, अब फाइंड करना है आपको ए 9, आपने ए निकाल लिया, आपको फाइंड करना है ए 9, तो ए 9 फाइंड करो, ए प्लस में 8 डी, ए कितना आपको दे रखा है माइनस का 70/6 प्लस में 8 इंटू में डी का मान कितना आपको 5 दे रखा है, 5 यहाँ रख दो सिंपल सा, और 5 प्लस का है, ठीक है, 5 प्लस का दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, माइनस का 70/6 प्लस में 8 5 40, तो 40 यहाँ पर आप रख दोगे इस तरीके से। बट्टे में कुछ नहीं, वही तरीका है, भिन्न वाले घटा करना है आपको यहाँ पर, सिंपल है, आता ही आपको, पहले छोटी क्लास से सीख रखा है हमने, तो 6 और 1 का एलसीएम लोगों 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा है, 71 जो 70, तो माइनस का 70 आपका आ चुका है प्लस में 40 40 इंटू में 6, तो 6 4 24 2 40 यहाँ पर आ गया आपका इक्वल टू में। अब देखो आप प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा प्लस माइनस माइनस होगा, 2 40 में 70 घटा दो कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखो यहाँ पर सिंपल सा 70 माइनस करना कितना आ जाएगा आपका 170 आ जाएगा, ठीक है, और ये कैसा होगा प्लस का होगा क्योंकि बड़े पे कैसे साइन है प्लस का है, तो प्लस का रखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर 6 आपने बटे में रख दिया, 6 पहले दिया हुआ था, अगर कट रहा तो उसको काट देना चाहिए, ठीक है, तो ए 9 आपका कितना आ चुका है, ये आ गया आपका आंसर, और जो कट भी रहा है उसको काट दो पहली बात, तो छोड़ो मत, ए 9 इक्वल टू में, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, तो 2 8 16 1 2 5 10 85 आपका आ गया यहाँ पर, और नीचे 2 3 6, तो ए 9 आपका आ चुका है फाइनल 85/3, और ये आपका आंसर है सिंपल सा, ठीक है, 85/3, और चाहो तो उसको भी काट सकते थे, ठीक है, हमने काटा नहीं था, चाहो तो उसको भी काट सकते हो, 2 से कट रहा था, ऐसे ही हमारी वैल्यू आ चुकी है, बाद में काट दिया हमने, चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो 2 से, -35/3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी काट सकते हो पहले, चाहो तो सिंपल बन जाएगा, ठीक है, बाकी हमने लास्ट में काटा था इसको, तो आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इस पार्ट में से ही हम 5 क्वेश्चन देख रहे थे और 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा पार्ट नंबर 3, उसमें देखेंगे बचे हुए 5 क्वेश्चन इसके, ठीक है, 3rd क्वेश्चन के बचे हुए 5 क्वेश्चन, ठीक है, 6ठे से लेकर 10वें तक, तो वो आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में आने वाला है, ठीक है, बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।